डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को दो साध्वियों का रेप करने के केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह लोहान ने 10-10 साल की सजा सुनाई। बलात्कार केस में जेल जाने के बाद से बाबा गुरमीत की अयाशियों के कई किस्से सामने आने लगे हैं। एक चैनल की खबर के अनुसार बाबा जहां रहता था वहां एक ऐसी गुफा थी जहां वह रोज नई नई लड़कियों के साथ अयाशियां करता था। बाबा की अयाशियों के किस्से। गुरमीत रहीम के रोज नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। बाबा के पूर्व डेरा प्रेमी ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि बाबा राम रहीम रोज नई लड़की के साथ अयाशियां करता था। उनका कहना है कि बाबा की गुफा का एक दरवाजा गर्ल्स स्कूल के कैंपस में खुलता था, वहां से वह रोज लड़कियों को चुनकर लाता था। डेरा प्रेमी के अनुसार बाबा लड़कियों से जानवरों की तरह व्यवहार करता था, वह रोज नई नई लड़कियां लाता था। उन्होंने बताया कि गुफा के एक हॉल में स्विमिंग पूल भी था जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। डेरा प्रेमी के ने बताया यह गुफा प्रिंटिंग प्रेस के पास थी, कभी कभी हमारी वहां ड्यूटी लगती थी। बाबा की गुफा से रोज आधी रात को चीखने की आवाज सुनाई देती थी। फिर कुछ देर बाद गुरमीत गुफा के ऊपर वाले हिस्से में आकर खिड़कियां खोलता था। उन्होंने बताया कि जब साध्वियों ने मुझे अपना दर्द बताया तो मैंने 2002 में डेरा छोड़ दिया था। TAS न्यूज की रिपोर्ट।